हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीना ब्यूटी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको पता चल ही गया है कि मैं कौन सा मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, ये करवा चौथ का मेकअप लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ यार, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगी टोनर, ये एल्स गुडनेस का टोनर है, बहुत ही अच्छा टोनर है, हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और फेस को मॉइस्चराइज भी करता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र क्रीम, ये गुड वाइब्स की मॉइस्चराइज़र क्रीम है, मिनी क्रीम है, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, हमारे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। तो मैं अच्छे से मेरे फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी और जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होती तब तक मैं अच्छे से इसे मसाज दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊँगी बाम, ये वादी हर्बल की लिप बाम है, बहुत ही अच्छी लिप बाम है, आप सबको पता ही है, मेरी फेवरेट है, तो इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ प्राइमर, ये वेट एंड वाइल्ड का ड्यू लुमिनिक्स प्राइमर है, इससे आप जब फेस पर लगाते हो तो आपके फेस पर एक नया ग्लो दिखता है। आप देखो, इसे मैं अप्लाई कर ली हूँ, उसके बाद आप देख लेना कितना अच्छा ग्लो आता है मेरे फेस पर और एकदम हमारा फेस नेचुरल शाइन देता है, वो आप देखो, ये देखो कितना ग्लो कर रहा है ना मेरा फेस, ये देखो शाइन दे रहा है ना। तो इसे अप्लाई करने के बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन, ये एलेगर प्रो का फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा है, टू पम्प्स लिए हैं मैंने यहाँ पर और पूरे फेस पर अच्छे से डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अप्लाई करोगे तो आपका मेकअप ट्रिकी हो सकता है, तो जितनी ज़रूरत है उतना ही फाउंडेशन अप्लाई करो। उसके बाद मैं ये पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर लेकर अच्छे से मेरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी, ये ब्लेंडर भी बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर और अच्छे से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही अप्लाई कर रही हूँ तो अच्छे से पूरे फाउंडेशन को सेट कर दूँगी। फाउंडेशन को सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, सेट करने से, पाउडर से सेट करने से क्या होता है आपका फाउंडेशन केक ही नहीं होता और लॉन्ग लास्टिंग रहता है, सॉरी। उसके बाद कॉम्पैक्ट अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर मेरी आईब्रो को फिल करूँगी। तो म्यूज़िक फ्लावर की मैंने जेल लाइनर ली है, इसमें ब्राउन कलर है, मेरी आईब्रो का कलर ब्राउन है तो ब्राउन कलर लेकर, डार्क ब्राउन कलर है तो डार्क ब्राउन कलर लेकर मैं मेरी आईब्रो को फिल करूँगी। इसके अंदर ही ये ब्रश दिया हुआ आता है, एंगलर ब्रश है, तो इसे मैं मेरी आईब्रो फिल कर लूँगी। अच्छे से आपकी आईब्रो को शेप देना है, जैसे नेचुरल शेप हो वैसे। और उसके बाद मैं यहाँ पर आई मेकअप करूँगी, तो आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी का पैलेट ले रही हूँ, यह असली हुडा ब्यूटी नहीं है, स्नैपडील से मैंने मंगवाया था, ट्यूब है, ये डुप्लीकेट है उसका। तो यहाँ पर मैं लीड पर और क्रीज पर ये जो मैंने मैरून कलर लिया है ना, जो मेरी ड्रेस से मैच होता है, वो लेकर मेरी लीड पर और क्रीज पर अच्छे से अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग में ज़्यादा टाइम दो, चाहे वो फाउंडेशन हो या आई मेकअप हो, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर ये गोल्डन कलर है इसके अंदर, वो ले रही हूँ, ये डुप्लीकेट है लेकिन अच्छा है यार, इसके जो शेड है ना आई शेड के, वो बहुत ही अच्छे हैं तो मुझे अच्छे लगे। तो गोल्डन कलर अप्लाई करने के बाद अच्छे से मैं क्रीज पर इसे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि उसके ऊपर मुझे लगाना है ग्लिटर, आप सबने देखा ही है थंबनेल में। तो ये है हुडा ब्यूटी का ग्लिटर पैलेट, ये भी डुप्लीकेट है, रियल नहीं है, इसे मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, इसके अंदर पूरी वैसलीन भरी हुई है, सिर्फ ऊपर ही ग्लिटर दिया हुआ है, लेकिन ये अच्छा है यार, ऐसा नहीं है कि हम लगाए और निकल जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसे मैंने लाल दरवाजा से ख़रीदा था। तो मैं अच्छे से इसे डैप करूँगी, इसे बिल्कुल भी आपको ब्लेंड नहीं करना है वरना ग्लिटर एकदम निकल जाएगी आपकी आई से, तो इसे डैप डैप करके आपको अप्लाई करना है। तो ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, दोनों आई पर मैं अच्छे से ग्लिटर अप्लाई कर लूँगी क्योंकि करवा चौथ है तो आपको अच्छे से तैयार होना है, तो ग्लिटर मेकअप अच्छा लगेगा आपके पर। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आईलाइनर, आईलाइनर के लिए मैंने यूज़ किया है NYB का आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर है, बहुत ही अच्छा है, वाटरप्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो आप इसे ले सकते हो। और इससे इसकी जो टिप है ना, वो बहुत ही पतली है, तो अच्छे से आप कोई भी विंग
लाइनर ड्रॉ कर सकते हो। तो विंग लाइनर ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी काजल। काजल मैंने ली है स्टेक पर की बैड एस काजल है, ये बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग, वाटर प्रूफ है। तो आप जब भी ये मेकअप करो तो आप ये इस काजल को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, ये है फेसेस कनाडा का फेस पैलेट। इसमें ब्लश, कॉन्टोर और हाईलाइटर तीनों मिल जाते हैं, लेकिन मेरा हाईलाइटर और कॉन्टोर शिव ने तोड़ दिया है, तो ब्लश मैंने रखा है, उसे अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मस्करा अप्लाई करूँगी, तो मस्करा है ये मेबलिन का लेसेंशियल मस्करा, बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है। और इसे आप जो वो वाटर प्रूफ मेकअप रिमूवर से रिमूव नहीं करोगे तो ये जाएगा ही नहीं। अब मैं यहाँ पर ये सिवाना अल्ट्रा ब्लश पैलेट लिया है, उससे मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। इसमें कॉन्टोर शेड दिया हुआ है, हाईलाइटर भी है, लेकिन हाईलाइटर ठीक है, तो कॉन्टोर अच्छे से कर लूँगी मेरे फेस को। कॉन्टोर करने से क्या होता है कि आपके फेस के नेचुरल कट जो होते हैं ना वो दिखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ हाईलाइटर। हाईलाइटर आज मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फैन ब्रश कहीं खो गया है और दूसरे ब्रश जो है वो सब कलर वाले थे, तो मैं आज फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर लूँगी। पहले मेरे पास ब्रश नहीं था, तब मैं हाईलाइटर हैंड से ही फिंगर से ही अप्लाई करती थी और बहुत ही अच्छा अप्लाई हो जाता है हाईलाइटर। और ये ऑयल स्किन टाइप के लिए हाईलाइटर है, तो आप इसे भी ले सकते हो, अफोर्डेबल है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो अच्छे से हाईलाइटर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। तो ये लिपस्टिक है शुगर की लिपस्टिक, मिनी लिपस्टिक है, मरून कलर है, ये जो मेरे ड्रेस का कलर है उससे ही मैच हो रही है, तो बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, आपकी लिप पर 10 से 12 घंटे तक कहीं नहीं जाने वाली। आप पानी पियोगे, खाओगे, कुछ भी नहीं होगा ये लिपस्टिक को, बहुत ही अच्छी है, मुझे ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैं यहाँ पर मेरी मांग पूर रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ का मेकअप किया है तो मांग पूरना ज़रूरी है। जो अनमैरिड है वो करवा चौथ कर नहीं करते, ओके। तो मैं मैरिड हूँ तो मांग भी भर सकती हूँ और मंगलसूत्र भी पहन सकती हूँ। अब मैं यहाँ पर बिंदी लगा रही हूँ जो मेरी ड्रेस से मैच करेगा। अब मैं यहाँ पर मंगलसूत्र पहन रही हूँ जो मुझे निर्णय दिया है। और अब मैं यहाँ पर पहन रही हूँ मेरा नेकलेस, अच्छे से नेकलेस, जो ज्वेलरी है मेरे पास, अभी ज़्यादा ज्वेलरी मैं यहाँ पर नहीं रखती, सभी मेरे मम्मी के घर है, तो जो मेरे पास था वो मैंने पहन कर ये मेकअप लुक किया है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना यार कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ओके। और ये है मेरा फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मैं मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड करवा चौथ स्किन केयर रूटीन अब आ रही है नेक्स्ट वीडियो, ओके।